देश एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। दरअसल बीते दिनों स्टार रेसलर बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात को लेकर एक ट्वीट किया था जिस पर काफी विवाद हो रहा है और उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग उठ रही है, जिसके बाद बबीता ने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया है। बबीता फोगाट ने वीडियो में कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे ट्वीट के बाद लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। मैं ज़ायरा वसीम नहीं हूं, जो धमकियों से डरकर घर पर बैठ जाऊंगी। मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई ज़ायरा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊँगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूँगी और बोलती रहूँगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर वन पे नहीं बने हुए? क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर वन पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन ले कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार ले, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने 15 अप्रैल को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। न्यूज डेस्क।